मध्य प्रदेश के राज पक्षी का नाम है दूधराज साहेब बुलबुल, यानी कि पैराडाइज फ्लाई कैचर। तीन नाम है इसके, दूधराज साहेब बुलबुल और पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका इंदौर में है, और इंदौर को वित्त राजधानी भी कहते हैं, खेलों की राजधानी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। किस जिले में अफीम बोई जाती है? मंदसौर में अफीम बोई जाती है, गांजा खंडवा में और अफीम मंदसौर में। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी थी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, यह राजस्थान की तरफ है श्योपुर जिला, इसलिए उत्तर प्रदेश से ये जुड़ा नहीं है। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? यह आपका है भोपाल में, इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूछा जाता है, यह भोपाल में है। भारत भवन भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में है। देवास में नोट छपाई का काम होता है, नोट छापे जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो नेपा नगर है, नेपा नगर में अखबार के कागज बनाने का कारखाना है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, जिसको फाइकस बेंगेलिस कहते हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय जो फल है वो आम है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? छिंदवाड़ा। लिखाइए क्षेत्रफल में बड़ा छिंदवाड़ा, तो उसी में इसका उत्तर छिपा हुआ था आपका। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड कौन से नगर में स्थित है? जैव विविधता बोर्ड आपका भोपाल में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है? तो यह आपका ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य पशु है बारहसिंगा। वृक्ष बता दिया बरगद है, पक्षी शाहे बुलबुल है, तो ये बारहसिंगा जो है ब्रेडरी जाति का होना चाहिए। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो आप सभी को पता है अपने चारों ओर 5 जो राज्य हैं उनमें उड़ीसा नहीं आता है, तो उड़ीसा अपना पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क 12 फरवरी 2016 को उद्घाटित किया गया था खरगोन में बुलाया था। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य है, तो उत्तर में देखो उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है, इसलिए आपका बी उत्तर एकदम करेक्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? सबसे बड़ी तहसील आपकी भोपाल है, नहीं ये भी गलत हो रहा, सबसे बड़ी तहसील आपकी इंदौर है और छोटी अजयगढ़ है,
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? इंदौर है और सबसे छोटी अजयगढ़ है। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग है तो आपका उत्तर है दतिया। जबलपुर संभाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। राष्ट्रीय ला इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह जबलपुर में है। मक्का का केंद्र भी जबलपुर में है और अपना मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी जबलपुर में है। माने न्याय की राजधानी भी जबलपुर कहते हैं, संस्कार धानी भी जबलपुर को कहते हैं। जनजाति अनुसंधान विकास संस्थान कहाँ पर है? यह आपका भोपाल में है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अंदाज में लगाना है, तो भोपाल लगा दीजिए उत्तर, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मलखंब को राजकीय खेल घोषित किया गया था 2013 में घोषित किया गया था। 2013 में मलखंब को राजकीय खेल घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो आपका जो झाबुआ जिला है, यह गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमाओं को छूता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? माने आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? तो ये अलीराजपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अलीराजपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। इंदौर की जनसंख्या सभी जिलों से अधिक है। इंदौर जिले की जनसंख्या सभी जिलों से अधिक है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले कौन कौन से हैं? माने अपने आसपास जो 5 राज्य हैं उनके संपर्क में कौन कौन से जिले आपके आते हैं? तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। पूर्व में सिंगरौली है और पश्चिम में अलीराजपुर है, उत्तर में मुरैना है, दक्षिण में बुरहानपुर है। भोपाल से दूर जिला, माने भोपाल से सबसे दूर जिला जो है आपका कौन सा है? भोपाल से सबसे दूर जिला जो है सिंगरौली पड़ता है आपका सबसे दूर जिला। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश के निम्न जिले में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो वो है अपना सिंगरौली। सिंगरौली जिला जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। 10वां संभाग बनाया गया था, 10वां कमिश्नरी संभाग बनाया गया था, 10वां कमिश्नरी संभाग बनाया गया था आपका शहडोल को। 10वां कमिश्नरी संभाग बनाया गया था आपका शहडोल को। अब यहाँ इसका उत्तर इंदौर भी हो सकता है, तो इसका आंसर अब आपको हम कमेंट में देंगे। खजुराहो के मंदिर की बात करें तो यह छतरपुर में पड़ते हैं आपके। भोपाल बसा है 5 पहाड़ियों पर। भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा है? 5 पहाड़ियों पर। एस्बेस्टास किस जिले में सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो एस्बेस्टास जो है आपका झाबुआ में सबसे ज़्यादा पैदा होता है एस्बेस्टास। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कितने जिले जो हैं अपने मध्य प्रदेश में बचे थे? 43 जिले बचे थे। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। चचाई जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो ये अपना रीवा में पड़ता है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई। देवास क्यों फेमस है? नोट की छपाई के लिए फेमस है। तो देखिए ये तो आपको पहले से ही पता है। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को ही हुई थी और इसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस रिसने वाली गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। 51वां जिला बनाया गया था आगरमालवा को 2013 में।
संगीत की राजधानी मेहर को कहा जाता है, संगीत की राजधानी मेहर को कहा जाता है। कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो बालाघाट जिला जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमाओं पर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्म भूमि कौन सी है? महू है, इंदौर की एक तहसील है महू। मध्य प्रदेश का संगमरमरमी चट्टानों का शहर है, तो जबलपुर संगमरमरमी चट्टानों का शहर है। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरीय जिला कौन सा है? तो चंबल बेसिन में उत्तरी जिला मुरैना है, ये अपन अभी देख चुके हैं। यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था, तो शिवपुरी, शिवपुरी में बहुत ठंडक रहती है। कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? चंबल संभाग में दतिया नहीं आता, भिंड मुरैना शिवपुरी जो है चंबल संभाग में आते हैं, दतिया आपका ग्वालियर संभाग में पड़ता है। इक्यावनवा जिला कौन सा है? आगरमालवा है, 2013 में बनाया गया था। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि महाकौशल के अंतर्गत पड़ता है। अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1956 में अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो चंबल संभाग में सबसे कम जिले हैं, तीन ही जिले हैं, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गया और भिंड हो गया। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। दो हजार आठ में किसे जिला घोषित किया गया था? तो 2008 में सिंगरौली और अलीराजपुर दो जिले बनाए गए थे 2008 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ कहाँ स्थित है? तो बांधवगढ़ उमरिया जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपका पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो यह उज्जैन से थे। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार को जलियांवाला बाग कहा जाता है। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल मानसिंह ने बनवाया था। ग्वालियर का किला भी राजा मानसिंह तोमर ने ही बनवाया था। परमार वंश का शासक नहीं था, तो जो गांगेय देव थे ये परमार वंश के शासक नहीं रहे हैं, गांगेय देव परमार वंश के शासक नहीं रहे हैं। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव जयजाग भुक्ति के चंदेलों का शासक था। अमझिरा रियासत का संबंध जो है आपका धार जिले से है। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो ये विदर्भ जो है, महाराष्ट्र की भाषा बोलने वाले लोग रहते थे विदर्भ में, तो उसको महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। मंडला राजधानी थी, मंडला राजधानी थी गौड़ों की। राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया था? राजा भोज ने धार जिले पर शासन किया था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? उत्तर है मंडला। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी, ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। अवंती किसे कहा जाता था? उज्जैन को, वेरी मोस्ट वेरी मोस्ट वेरी मोस्ट, अवंतिका उज्जैन को कहा जाता था। यह भी मोस्ट है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया जो है ग्वालियर के किले को कहा जाता है। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ में हुआ था, लेकिन झाबुआ से एक नया जिला बना अलीराजपुर। तो चंद्रशेखर आजाद जी का जो गांव है अब अलीराजपुर में आ गया है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो सभी का हुआ था, टंट्या भील का भी हुआ था, चंद्रशेखर आजाद का भी जन्म हुआ था, इसलिए आपका जो उत्तर यहाँ बनता है वो कौन सा बनता है? उपर्युक्त दोनों। ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? तो चंदेल राजाओं ने बनाए थे, चंदेल राजाओं ने बनाए थे। किस
राजवंश ने भारत को खजुराहो के मंदिर दिए थे, तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना की थी सूरज सेन ने। ग्वालियर के सिंधिया वंश का शासक कौन था? ग्वालियर के सिंधिया वंश का शासक कौन था? राणोजी सिंधिया। सिंधिया वंश का शासक राणोजी, सिंधिया वंश का शासक राणोजी सिंधिया। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं? तो ग्वालियर के पास दतिया पड़ता है, दतिया में एक स्थान है गुर्जरा, वहाँ अशोक के शिलालेख मिलते हैं। कायथा किस नगर के समीप है? कायथा उज्जैन नगर के समीप है और उज्जैन में जंतर मंतर प्रयोगशाला जो है उसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने कराया था। मौर्य काल में मालवा का पश्चिमी भाग जो है अवंतिका कहलाता था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। पूर्वी भाग अकरा कहलाता था, जिसकी राजधानी विदिशा थी। रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है? तो रानी अवंतीबाई का संबंध है रामगढ़ मंडला से। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति थी भील जनजाति। कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? धार। मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहां से शुरू हुआ था? तो मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नीमच से शुरू हुआ था। तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी ग्वालियर में दी गई थी। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का राजा वो गवर्नर था, ठीक है, तो इस प्रांत की पहचान करो, तो उज्जैन प्रांत का गवर्नर था राजा अशोक। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? तो राजा मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर जो है ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कलचुरी शासकों की राजधानी कहां पर थी? तो इसका उत्तर है आपका त्रिपुरी। सती प्रथा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो एरण से मिलते हैं सती प्रथा के साक्ष्य। होसंग शाह ने मांडू की स्थापना की थी 14वीं सदी में। भारत स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी। झांसी की रानी लक्ष्मी की मृत्यु कहां हुई थी? ग्वालियर में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस की त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये जबलपुर में है त्रिपुरी, त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में, इतना ही पूछते हैं बस।